इस बिल के माध्यम से भाजपा डेमोक्रेसी को हाईजैक करना चाहती है। तो जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो एक प्रकार से जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये पूरी तरीके से इस बिल में सिद्ध होता है कि लाठी भी इनकी तो फिर इस कानून के माध्यम से भैंस भी इनकी। और स्वतंत्रता चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खत्म करने का काम ये करती है। मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को डालकर उसका संतुलन बिगाड़ने का काम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम इस सरकार ने किया कि आपको जो फैसला देना है दीजिए, अगर हमें पसंद नहीं आएगा हम बिल लाकर उस फैसले को पलट दें। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे और लोगों की आस्था इस लोकतंत्र से डगमगा जाएगी। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करूंगा इस बिल को वापस लीजिए। लोगों की देश के लोकतंत्र में बहुत आस्था है, उस आस्था से खिलवाड़ करने का काम मत कीजिए। मिस्टर चड्ढा, क्या बीजेपी भारत देश में निष्पक्ष चुनाव खत्म करना चाहती है? क्या भाजपा की सरकार लोकतंत्र की कोई अहमियत नहीं समझती? क्या भाजपा की सरकार के लिए संवैधानिक संस्थाओं की कोई अहमियत नहीं है? क्या भाजपा सरकार हर संवैधानिक संस्था को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है? क्या भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई सम्मान नहीं करती, उसकी कोई अहमियत नहीं समझती? ये कुछ सवाल हैं जो बिल पढ़ने के बाद मेरे जहन में आए, और वो इसलिए आए क्योंकि इस बिल के माध्यम से ये सरकार चुनाव आयोग को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, यानी कि चुनाव आयोग पे पूर्ण कब्जा चाहती है। मैम, चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर्स। इनकी चयन और नियुक्ति इस बिल के माध्यम से पूरी तरीके से सरकार के हाथों में आ जाएगी और वे जिसको चाहें, चाहे वो पार्टी का शख्स हो, यस मैन हो, पार्टी मैन हो, जिस मर्जी को चाहें वे चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। चुनाव आयोग की हमारे देश के चुनावों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका वोट बनेगा, किसका वोट कटेगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। किस तारीख पर चुनाव होगा, कितने चरण में चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। ईवीएम मशीन कहाँ कहाँ भेजी जाएंगी, उसका नियंत्रण, उसका मैनेजमेंट, उसका योग, उसका प्रयोग, सारी चीज़ें चुनाव आयोग तय करता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है इस देश के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। मैम, आई विल मिंस नो वर्ड्स, दिस बिल इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, दैट इज द इलेक्शन कमीशन, एंड देयर बाय डिसलॉज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फ्रॉम इंडिया। ये बिल 3 व्यक्ति या संस्था का अपमान है। पहला अपमान है सुप्रीम कोर्ट का। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल दो मार्च 2023 को 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से एक फैसला दिया, और वो फैसला ये था कि सरकारी हस्तक्षेप, सरकार का कोई भी दखल चुनाव आयोग की नियुक्ति में नहीं होना चाहिए। ये खत्म करने के लिए हम एक समिति का गठन करते हैं। उस समिति के गठन से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को डालकर उसका संतुलन बिगाड़ने का काम और चुनाव सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम इस सरकार ने किया, ताकि एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिसमें जो शख्स ये चाहे वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ये इंसल्ट सुप्रीम कोर्ट की इसलिए है क्योंकि इसी साल के दिए गए संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के 2 फैसलों को इस सरकार ने सदन के भीतर बिल लाकर बदल दिया। पहला था दिल्ली सेवा बिल, जो 8 दिन के भीतर ऑर्डिनेंस लाकर और फिर सदन के भीतर बिल लाकर बदला गया, और एक ये बिल जो 2 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटता है और उस फैसले को पूरी तरीके से रिवर्स करने का काम करता है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह सरकार इस बिल के माध्यम से एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती दे रही है कि आपको जो फैसला देना है दीजिए, अगर हमें पसंद नहीं आएगा हम बिल लाकर उस फैसले को पलट देंगे। दूसरा इंसल्ट या अपमान इस बिल के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि चयन समिति के 3 सदस्य होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 3 मेंबरी समिति में से इस बिल के माध्यम से सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और एक कैबिनेट मंत्री को उनकी जगह बिठा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इतना परहेज कि साफ तौर पे उन्हें इस समिति से हटाने के लिए इस बिल को लाया गया। मैं सरकार को याद कराना चाहूंगा कि समय समय पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए इस देश में कमेटियां बनी, और अधिकांश कमेटियों ने यह फैसला दिया, ये रिपोर्ट दी, ये सजेशन दिया कि समिति के भीतर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि इस देश की न्यायमूर्ति को जरूर होना चाहिए, चाहे वो तारकुंडे कमेटी हो, दिनेश गोस्वामी कमेटी हो, वोरा कमेटी हो, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हो, जीवन रेड्डी कमेटी हो, या फिर इसी सरकार की लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो। तीसरी इंसल्ट इस बिल के माध्यम से भाजपा सरकार एक ऐसे शख्स की कर रही है जो व्यक्ति भाजपा का संस्थापक थे।
जो व्यक्ति आज भी भाजपा के मार्गदर्शक हैं, जो व्यक्ति भाजपा के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, वो व्यक्ति जो भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे। मैम 2 जून 2012 को, और मैं राज्यसभा के पटल पे इस लेटर को रखूंगा, 2 जून 2012 को माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है चुनावों में बड़ी महत्वपूर्ण है, उसकी नियुक्ति पर एक बहुत बड़ा संदेह प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और उसकी नियुक्ति सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। और वो लिखते हैं, द प्रेजेंट सिस्टम वेयर बाय मेंबर्स टू द इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड सोलली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट इवोक कॉन्फिडेंस इन द पीपल कीपिंग दीज इंपॉर्टेंट डिसीजंस एज द एक्सक्लूसिव प्रिजर्व ऑफ द रूलिंग पार्टी रेंडर्स द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस वल्नरेबल एंड ओपन टू मैनिपुलेशन एंड पार्टिजनशिप। और वो कहते हैं कि समिति 5 सदस्यों की हो जो सीईसी की चयन करे, उनकी नियुक्ति करे, जिसमें प्रधानमंत्री हो, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा हो, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा हो, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और कानून मंत्री हो, यानी कि 2 सदस्य सरकार के, 2 सदस्य ऑपोजिशन के और 1 न्यायपालिका के। ये समिति बड़ी अच्छी है, यानी कि आडवाणी जी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्वतंत्रता के लिए, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, लेकिन इन लोगों ने आडवाणी जी को भी उनके हक की, उनके अधिकार की बात नहीं दी। आज मैं सदन में दूसरी बार लाल कृष्ण आडवाणी जी के हक की, उनके अधिकार की बात मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहला जब उन्होंने दिल्ली सेवा बिल पर कहा था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और आज जब उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति स्वतंत्रता से हो, निष्पक्ष तरीके से हो। आगे मैं 3 महत्वपूर्ण कारण बताना चाहूंगा मैडम, जिसके चलते ये बिल को आज मैं और मुझे लगता है समस्त विपक्ष अपोज करता है। पहला कि ये बिल पूरी तरीके से इल्लीगल है, गैरकानूनी है, और वो इसलिए है क्योंकि यू कैन नॉट रिवर्स अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विदाउट चेंजिंग द वेरी बेसिस ऑफ इट। यानी कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना है तो सुप्रीम कोर्ट जिस फैसले को देते हुए जिस आधार को रेफर करता है, आपको उस आधार को बदलना पड़ेगा, आप सीधा फैसला नहीं पलट सकते। लेकिन इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मूलभूत भावना को इस बिल के माध्यम से चोट पहुंचाने की कोशिश करी है और निष्पक्षता को चुनाव आयोग की भंग किया है। दूसरी कारण क्यों ये बिल क्योंकि ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है निष्पक्ष चुनाव और डेमोक्रेसी। अगर बायस्ड इलेक्शन कमीशन होगा तो चुनाव भी बायस्ड होगा, अगर गैर निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग चुना जाएगा तो हिंदुस्तान में चुनाव भी गैर निष्पक्ष तरीके से होंगे। इसीलिए यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी पूरी तरीके से वायलेट करता है। मैम मैं आगे बताना चाहूंगा कि दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्यों ये बिल एक प्रकार से सरकार के हाथ में चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण दे देता है। वाई इज द सिलेक्शन कमिटी बायस्ड इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मेंबरी समिति होगी जो तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल बाहर कर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें डालकर पूरा नियंत्रण सिलेक्शन समिति का इन लोगों ने बिगाड़ दिया, जिसके चलते आज इस समिति में सरकार के पास 2 वोट हैं। 2:1 से सारे फैसले मेजॉरिटी से सरकार ले सकती है। इसमें सर्वसम्मति से फैसला नहीं लेना, यूनानिमिटी से फैसला नहीं लेना, सरकार चाहे तो 2:1 से कोई भी फैसला ले सकती है। यानी कि सारा नियंत्रण, कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, कौन चुनाव आयुक्त होंगे, ये सरकार के हाथ में आ जाता है। और ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। मैं आगे चलता हूं। पैरा नाइन इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का कहता है, द एग्जीक्यूटिव अलोन बींग इन्वॉल्व इन द अपॉइंटमेंट एंश्योर्स दैट द कमीशन becomes and remains a partisan body and the branch of the executive. The independence of the commission is intimately interlinked with the process of appointment. Yani ki Supreme Court ye kehta hai ki chayan ka jo pura process hai wo puri tarike se elections kaise honge, free honge ki fair honge, wo tay karta hai. Main aage chalta hu, 14 minute hai madam, abhi to 6 minute baki hai. Supreme Court aage apne para 186 mein highlight karte hue ye kehta hai, a person who is weak-kneed before the powers that be cannot be appointed as the election commissioner. A person who is in a state of obligation or feels indebted to the person who has appointed him
fails the nation and can have no place in the conduct of elections forming the very foundation of our democracy. An independent person cannot be biased. It is important that the appointment must be overshadowed even by a perception that a yes man will decide the fate of the democracy and all its promises. Yani ki keval nishpaksh chayan hi hona zaruri nahi hai, nishpaksh chayan janta ko nazar aana bhi zaruri hai. It must not only be done, it must be seen to be done. Ye Supreme Court baat kehta hai. Main aage chalta hu. Teesra karan ki kyun hum is bill ko oppose kar rahe hain, wo hai ki ye jo proposed selection committee hai, isme koi checks and balances nahi hai. चेक्स एंड बैलेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि सारे फैसले तो सरकार के पक्ष में होंगे. दो मंत्री सरकार के उसमें बैठे हैं. एलओपी को मात्र फॉर्मेलिटी के लिए इसमें बिठाया गया है, तो एक प्रकार का फिक्स्ड मैच इसमें नजर आता है. अब आप ही सोचिए, तीन मेंबरी समिति है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मान लेते हैं हमारे सदन के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसके सदस्य हैं, और थर्ड मेंबर अर्जुन मेघवाल जी कानून मंत्री यहां बैठे हैं वो हैं. अब इनकी बैठक चल रही है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं रमेश नाम के शख्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहता हूं. खड़गे साहब कहते हैं कि मैं रमेश को नहीं, सुरेश को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहता हूं. क्या अर्जुन मेघवाल जी जो इसी सरकार के कानून मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री जी को ये कह सकते हैं कि नहीं 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 प्रधानमंत्री जी, रमेश ठीक नहीं है, खड़गे साहब ने जिसको नॉमिनेट किया है सुरेश, मैं भी उसी के हक में वोट देता हूं, उसका चयन हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने. ये तो हो ही नहीं सकता. तो जो सरकार चाहेगी, जो सरकार चाहेगी वही होगा. तो एक प्रकार से निष्पक्षता और स्वतंत्रता चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खत्म करने का काम ये करती है. हमने एक बचपन में एक मुहावरा सुना था, जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो ये पूरी तरीके से इस बिल में सिद्ध होता है कि लाठी भी इनकी तो फिर इस कानून के माध्यम से भैंस भी इनकी. मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं. मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है, उस क्रिकेट मैच में अंपायर कौन होगा वो एक तीन मेंबर की समिति तय करेगी जो मैच कराएगी. वो तीन मेंबर की समिति में एक ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंग्स होंगे, दूसरे ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध प्लेयर डेविड वार्नर होंगे, और थर्ड भारत के कप्तान रोहित शर्मा होंगे. अब ये तीन मेंबरी समिति अगर किसी अंपायर को चुनेगी तो वो अंपायर तो हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, क्योंकि दो एक की बहुमत ऑस्ट्रेलिया के साथ है. तो क्या निष्पक्ष मैच हो सकता है? क्या इंडिया इंडिपेंडेंट मैच खेल सकती है? ऐसा ही कुछ इस चुनाव आयोग के गठन से, इस बिल के आने के बाद इस देश में होने जा रहा है. मैं आगे चलता हूं मैडम, मुझे बोलने दीजिए. मुझे डिस्टर्ब ना करें. ये बिल तीन की टेस्ट पे फेल होता है, द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, द टेस्ट ऑफ न्यूट्रलिटी एंड द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव है कि देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो. अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, और लोगों की आस्था इस लोकतंत्र से डगमगा जाएगी. मैं सरकार को कहना चाहता हूं, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटना चाहती है, अगर सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस समिति से हटाने के लिए इतनी बेकरार है, तो मैं आज सुझाव लाया हूं कानून मंत्री जी. तीन सुझाव मेरे, इनमें से अगर आप कोई सुझाव स्वीकार कर लें तो मुझे लगता है सारा हाउस एक आवाज में आपके इस बिल का समर्थन करेगा. पहला सुझाव यह है, ये तीन ऑप्शन लाया हूं आपके लिए. पहला ऑप्शन यह है कि चुनाव आयोग का गठन, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और कौन इलेक्शन कमिश्नर होंगे, इसका गठन दो मेंबरी समिति करे जिसमें दो लोग हों, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन या विपक्ष के नेता. ये दो मेंबर्स सर्वसम्मति से फैसला ले, यूनैनिमिटी से, क्योंकि दो लोगों में मेजॉरिटी तो हो नहीं सकती. तो दो लोग सर्वसम्मति से फैसला ले, जो भी नाम तय करेंगे हम सब मान जाएंगे. ये ऑप्शन वन. ऑप्शन टू मैं देना चाहूंगा सरकार को, जो लालकृष्ण अडवाणी जी ने दिया था. लालकृष्ण अडवाणी जी की बात मान लीजिए, मेरी मत मानिए, आपको आम आदमी पार्टी तो पसंद नहीं, पर अपने पेट्रियार्क फाउंडिंग फादर, आपके पितामह भीष्म, लालकृष्ण अडवाणी जी का फॉर्मूला ले लीजिए. पांच मेंबरी समिति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये पांच मेंबरी समिति एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का चयन कर लेगी. और तीसरा ऑप्शन, अगर ये दोनों ऑप्शन आपको पसंद नहीं, तो मैं आपको वो ऑप्शन बताना चाहूंगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोफेसर शिवन लाल सक्सेना ने दिया था. वो था कि जो भी नाम ये चयन समिति तय करे वो नाम सदन के भीतर लाए जाएं, और दो तिहाई बहुमत लोकसभा और राज्यसभा से नाम पास हो जाए, वो आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए. मैं सकारात्मक बहस कर रहा हूं, मैं ऑप्शन लाया हूं. ये तीन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चुन लीजिए, सारे विपक्ष को मनाने की, एकजुट करने की जिम्मेदारी मेरी. मैं अंत में अपनी बात समाप्त करने से इतना बस कहना चाहूंगा मैडम कि ये बिल एक डे लाइट रॉबरी है हमारे देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की. इस बिल के माध्यम से भाजपा डेमोक्रेसी को हाईजैक करना चाहती है. एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ द आम आदमी पार्टी अपोज दिस बिल, वेमेंटली अपोज दिस बिल, बिकॉज दिस बिल विल एंश्योर
that India, which is today known as the mother of democracy, will tomorrow unfortunately be known as for mockery of democracy. Mother of democracy se mockery of democracy tak ka safar aap is bill ke madhyam se tay karne ja rahe hain. Main haath jod kar aapse vinati karunga, is bill ko wapas lijiye. Logon ki desh ke loktantra mein bahut aastha hai, us aastha se khilwad karne ka kaam mat kijiye. Bahut bahut shukriya.